अयोध्या में राम मंदिर पूजन समारोह का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन हनुमानगढ़ी में हनुमान निशान की पूजा विधि विधान के साथ संपन्न की गई और किसी भी बड़े आयोजन से पहले 1700 साल पुराने हनुमान ध्वजा की पूजा को शुभ माना जाता है। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक ये पूजा भूमि पूजन स्थल पर ही होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते हनुमानगढ़ी में ही पूजा कर दी गई। हनुमान निशान के दर्शन बहुत ही मुश्किल से होता है। चलिए आपको उस निशान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो पूजा है ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से की जा रही है और इसमें हनुमान जी की गर्जना है। हनुमान जी यहाँ पर तैयार रहते हैं। आप देखिए पूरा सीधे सीधे आप तस्वीरें देख सकते हैं लाइव न्यूज 18 पर कि कैसे पूजा चल रही है। हनुमान जी का जो निशान है वो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। आप देखिए लगातार पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। निशान जो है सोने और चांदी से जो आभूषण है उससे सजा हुआ है और जो पूरी विधि विधान से इसको बाहर निकाल कर लाया गया और हर मंगलवार को लाया जाता है। कहा जाता है कि ये 1700 साल पुराना 300 ईसा पूर्व का ये निशान है। हनुमान जी इसमें हमेशा प्रकट रहते हैं और ये देखिए पूजा पाठ संपन्न हो जा रहा है। अब इसको फिर वापस उसी जगह पे ले जाया जाएगा। इसमें देखिए किस तरह से जो निशान है पूजा पाठ किया जा रहा है, बाकायदा जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इसका पूजा पाठ किया जा रहा है और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा है। कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें हैं ये अलौकिक हैं, अदृश्य जो होने वाली तस्वीरें हैं। इतिहास में कभी कभी ऐसे तस्वीरें दिखाई जाते हैं। तो आप पूजा पाठ की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं न्यूज 18 की। जो पूजा पाठ चल रहा है यहाँ का भीड़ और रश भी इकट्ठा होगा क्योंकि ये मंगलवार को ही एकदम जो तय समय होता है 9 बजे के आसपास वो देखिए पूजा पाठ हो रहा है। पूजा पाठ की जो तैयारी है वो आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूजा की जा रही है पुजारियों की तरफ से देखिए किस तरह जो है उनका जो निशान है। ये 1700 वर्ष पुराना जो है हनुमान जी महाराज का ये निशान है। 1700 वर्ष का ये निशान है और यहाँ पर अब पूजन होने जा रहा है राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण के लिए। चूँकि भूमि पूजन के लिए और बगैर हनुमान जी महाराज के भूमि पूजन जो है नहीं किया जाता है अयोध्या में, ये ऐसी प्रथा है और यही मान्य है। ये राम काज है, राम काज तो करना ही पड़ेगा। राम काज हनुमान जी महाराज के अलावा, श्री हनुमान जी महाराज के अलावा और कर कौन सकता है। के लोग आ गए थे और वो बाग से देखिए जो राम जिसमें हनुमान जी का जो निशान है ये बाग सब देखिए वापस उनके कक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सीधा निशान उनके कक्ष में जाएगा और लेके लोग जा रहे हैं। तो ये आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं कि वापस अब ये उस कच्छ की ओर जा रहा है जहां पर से ये निशान लाया गया था। अब अयोध्या की एक ऐसी दास्तां जिससे बहुत कम लोग ही वाकिफ होंगे। कल दुनिया के करोड़ों लोग एक सपने को साकार होता देखेंगे। सपना राम की धरती पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का। कल भूमि पूजन के बाद पहली शिला रखते ही मंदिर बनने का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। लेकिन पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक अयोध्या की धरती पर हजारों साल पहले श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने मंदिर की पहली नींव रख दी थी। ये एक पौराणिक मान्यता है, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में इसको लेकर काफी कुछ लिखा गया है। अब उसके युगों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिलान्यास की पहली शिला रखने वाले हैं। त्रेता युग की कहानियां जिनमें छिपा है प्रभु श्री राम के जीवन का रहस्य। जब रखी गई थी राम मंदिर की नींव, महाभारत काल से 3000 साल पहले महाराजा कुश ने पहली बार रखी थी राम मंदिर की आधारशिला। राम जन्मभूमि के लिए हिंदू जनमानस के बीच जितनी आस्था है उतनी ही आस्था उन किस्सों कहानियों और पौराणिक मान्यताओं को लेकर भी है जिन्हें सदियों से सुनाया जाता रहा है। 500 सालों के त्याग और तप के बाद जब भूमि पूजन की घड़ी आई तो एक बार फिर वो कहानियां आकार लेने लगी जो किसी ना किसी रूप में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी। जब श्री राम जन्मभूमि का जिक्र आता है तो लोगों के मन में बरबस ही ये सवाल भी उठने लगता है कि आखिर वो कौन था जिसने सबसे पहले प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण की नींव रखी थी। पौराणिक इतिहास के पन्नों को पलटें तो स्वयं भगवान श्री राम के बेटे कुश का भी इस मामले में अहम किरदार सामने आता है। आज से हजारों साल पहले कुश ने श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव रखी थी।
ये मान्यता तो अब से हजारों साल पहले की है। इन हजारों सालों के इतिहास में अयोध्या में बहुत कुछ बदल चुका है। अब शहरी चकाचौंध के बीच यहाँ पौराणिक कहानियों को सुना और सुनाया जाता है। यही वजह है कि भूमि पूजन के जिस दिन का लोगों को शिद्दत से इंतजार था, उसके आते ही अयोध्या, विक्रमादित्य के बाद तो अयोध्या को उजाड़ा ही गया है। अब ये पहली बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को के नेतृत्व में जो विक्रमादित्य के बाद या पहले धर्मात्मा शासक हैं जो पुनः अयोध्या का पुनरुद्धार नवीनीकरण कर रहे हैं। आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, यह साधारण मानव नहीं है। इनका अभ्युदय ही 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए हुआ। न किसी साक्ष्य पर जरूर आधारित होती है। राम मंदिर के अस्तित्व और उसके निर्माण से जुड़ी कई अहम बातें समय समय पर सामने आती रही हैं। लोमश रामायण में इस बात का दावा किया जाता है कि प्रभु श्री राम के दिव्य धाम प्रस्थान करने के बाद ही अयोध्या वीरान और उजाड़ हो गई थी। इसी दौरान कुशावती के राजा कुश, जो कि प्रभु श्री राम के ही संतान थे, उन्होंने अयोध्या को बसाने का काम किया था। मान्यता है कि अब से हजारों साल पहले जिस कुशावती के राजा कुश हुआ करते थे, उसी कुशावती को आज कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। जी आज भी वो खंभे लगे पड़े हैं। आज विक्रमादित्य जी ने आज भी उसको 84 कोसी जो परिक्रमा हमारा जो मनाया जाता है, आज भी वो जगह जगह हैं। और आज भी साल में बैसाख मास चैत्र मास की पूर्णिमा को शायद वह यात्रा आरंभ होती है, और आज भी उसमें हम 84 कोस के अनुसार उसको परिक्रमा में आज भी हम मान। तो अब जब अयोध्या वीरान हो गई, भगवान राम चले गए, तो भगवान राम के जाते से ही पूरी अयोध्या चली गई थी। उस समय 33 करोड़ देवी देवता नाना रूपों में अयोध्या में ही विराजमान थे। तो जब अयोध्या वीरान हो गई तो कुश को स्वप्न हुआ कि अयोध्या तो वीरान हो गई, कुश भगवान आए और उन्होंने वीरान अयोध्या को फिर से बसाने के लिए श्रीमन्नारायण का आवाहन किया और विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने ही फिर उनके निर्देश पर इस अयोध्या का विस्तार किया। महाराजा कुश ने जिस दौर में मंदिर निर्माण के लिए 84 खंभों को लगवाया था, उनसे जुड़ी भी कई पौराणिक कहानियां हैं। मान्यताओं के मुताबिक इन खंभों को प्रभु श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंश के महाराज अनरण्यक के निर्देश पर विश्वकर्मा ने तैयार किया था, लेकिन रावण ने अनरण्यक को युद्ध में हरा दिया और समूची अयोध्या में लूटपाट करने के बाद वो दिव्य खंभों को भी अपने साथ ले गया। इसके बाद जब राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, तब हनुमान जी लंका से इन खंभों को वापस ले आए। इन्हीं खंभों से कुश ने राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया था। चैत्र शुक्ल रामनवमी के मौके पर प्रभु श्री राम के बाल्यकाल की मूर्ति इस बंदर में स्थापित की गई थी। लोमश ऋषि के इसी ज्ञान की बदौलत त्रेता युग से जुड़ी कई कहानियां हजारों साल बाद आज भी जिंदा हैं। उन्हीं में से एक कहानी प्रभु श्री राम के पुत्र कुश। ये उठता है कि जिस तरह से 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में हिस्सा लेकर के एक अहम कड़ी साबित होने जा रहे हैं, उसी तरह से हजारों साल पहले कुश ने राम मंदिर के निर्माण की नींव कब रखी थी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत काल से भी हजारों साल पहले कुश ने श्री राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी थी। एक शोध के मुताबिक लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में राजा शल्य हुए थे। शल्य को महाभारत काल में पांडवों का मामा माना जाता था। इतना ही नहीं, राजा शल्य ने महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। इस हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो लव और कुश महाभारत काल से 2500 से 3000 साल पहले हुए थे, और उसी दौरान कुशावती के राजा होते हुए कुश ने राम मंदिर निर्माण की पहली बार नींव रखी थी। राम मंदिर के निर्माण के लिए कुशकालीन कसौटी के खंभों का जिक्र सिर्फ
पौराणिक मान्यताओं का हिस्सा ही नहीं है। हजारों साल बाद जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के सबूतों की पड़ताल करने की कोशिश की गई, तब भी खुदाई के दौरान खंभों की एक कतार दिखाई दी। इस कतार के बारे में भी दावा किया जाता है कि ये उसी मंदिर का हिस्सा है जिसकी नींव कभी कुश ने रखी थी। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान मई महीने में जब जन्मभूमि को समतल करने का काम चल रहा था, उस दौरान ऐसे अवशेष मिले जो किसी मंदिर के ही हो सकते हैं। दावा किया जाता है कि इस दौरान देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दोरजाम, मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ, इसके अलावा एक 5 फीट के आकार का नक्काशी युक्त शिवलिंग भी प्राप्त हुआ। यही वजह है कि अब हजारों साल बाद एक बार फिर जब राम मंदिर निर्माण का मौका आया है, तो संत समाज से जुड़े लोग इसे त्रेता युग की उसी कहानी से जोड़कर देख रहे हैं जिसमें कभी नायक की भूमिका में कुश थे, लेकिन आज राम मंदिर के निर्माण के केंद्र में नरेंद्र मोदी है। युगों पूर्व हमारे महापुरुषों से मनुष्यों ने, संत महापुरुषों ने 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य की बात कही है, जिसमें मात्र 27 साल बाकी हैं 21वीं सदी शुरू होने में। तो अब 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य की परिकल्पना साकार हो रही है, तो कोई ना कोई दूत तो आएगा ही। भारत, ये भारत की धरती है, कभी विवेकानंद पैदा होते हैं तो कभी कोई पैदा होता है, कभी राम आते हैं तो कभी कृष्ण आते हैं। तो अब आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। त्याग, तपस्या और सैकड़ों वर्षों का इंतजार, मंदिर निर्माण से जुड़ी अभी तक की यही कहानी रही है। मंदिर की पहली बार नींव रखने से लेकर आज के दौर में इतना कुछ बदल चुका है कि त्रेता युग की तो बस कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन आज के दौर में अगर त्रेता युग की झलक भी हासिल हो तो राम भक्तों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। कल पीएम मोदी खुद अपने हाथों से मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद फिर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसे लेकर अयोध्या की गली गली में जश्न का माहौल है। हनुमान मंदिर में नजारा दिव्य है। देखिए, हनुमान के रूप हैं, गदा लेकर यहाँ खुश हो रहे हैं, उनके प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है। देखिए, बकायदा हाथ में गदा, जय श्री राम के नारे, बकायदा जो तैयारी है वो आप देख रहे हैं कि बकायदा नृत्य चल रहा है। हनुमान जी खुश नजर आ रहे हैं। हनुमान जी के प्रांगण में जो प्रतीक है, हनुमान जी डांस, निफान का पूजन मीन्स यही होता है कि वो फ्राप बफ जो है अपना फक्ति भूल गए थे, जागृति हो गई। कवन फुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ता तुम पाए, राम काज लगता भी अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी कल आ रहे हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज के ऊपर जो साधु संतों का जो फ्राप था कि अपना बल आप नहीं पहचानेंगे, उसी के लिए ये निशान का पूजन जागृति के लिए किया गया। साक्षात हनुमान जी महाराज जागृत हो गए हैं। जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम है। हनुमान जी यहाँ नृत्य कर रहे हैं, साक्षात प्रकट हो गए हैं। ये एक जलजला है जो आप देख सकते हैं, वो निश्चित तौर पर खूबसूरत तस्वीरें हैं। लोग बताइए, हनुमान जी भी प्रकट हो गए हैं। क्यों हनुमान जी भी प्रकट हो गए हैं? ये हनुमान यहाँ पर प्रकट हो गए हैं और हनुमान जी स्वयं सदैव से भगवान श्री राम के साथ रहते हैं और संकटों को हरने वाले हैं। और हम लोग दमोह बांधकपुर से आए हैं, जिला दमोह से, और मन में काफ़ी हर्ष है। मध्य प्रदेश से एक बहु प्रशिक्षित 500 वर्षों से लगभग हम लोग, अनेक पीढ़ियां हमारी संघर्ष कर रही थी, और अब वो दिन आ गया, वो अवसर आ गया जब हमारे प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। प्रभु श्री राम अब मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, भक्त आ चुके हैं। हनुमान जी के जो प्रतीक के रूप में यहाँ गदा लेकर नृत्य भी करते आ रहे हैं कि प्रभु अब आने वाले हैं अपने गर्भगृह में, अपने मंदिर में। तो एक अलौकिक दृश्य और नज़ारा आपको अयोध्या में दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ हनुमान गढ़ी, अयोध्या, अजीत सिंह। Amazon Prime के अलग अलग प्रोडक्ट्स पर ऑफर और डील मिल रहे हैं, देखिए एक झलक।